ये एक जन चौपाल को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने सपा पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने आगामी विधानसभा चुनावों में वोट डालने से पहले मतदाताओं से सावधान रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, मतदान करते समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, मौका मिला तो ये फर्जी समाजवादी किसानों को दी जा रही सहायता बंद कर देंगे। यूपी की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार भी चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, यूपी का विकास, यूपी का सबसे तेज विकास। जो पहले सरकार में थे उन्हें ना तो आप लोगों की आस्था से मतलब रहा है और आप लोगों की जरूरतों से कोई लेना देना, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है, यूपी को लूटो। उन्हें यूपी के विकास से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें बस सरकार बनाने से मतलब रहा है। देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य उत्तर प्रदेश ने और इस देश ने जिस बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया है, दुनिया ने उसकी सराहना की है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन के साथ ही डबल इंजन की सरकार ने हर एक गरीब को डबल डोज राशन की भी उपलब्ध कराई है। बुलंदशहर के उपद्रव रहे हो या फिर मथुरा का जवाहर बाग की वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसमें सैकड़ों हेक्टेयर में फैले हुए बाग पर सत्ता के संरक्षण में न केवल अवैध कब्जा होता है बल्कि गुंडागिर्दी और अराजकता का जो तांडव 12 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुआ था वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। वहीं मथुरा में सीएम योगी ने मतदाता संवाद कार्यक्रम में सरकार की उपलब्धियां गिनाई और फिर विपक्ष पर एक के बाद एक जमकर निशाना साधा। कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर पूज्य संतों का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। मैं अपने इन पूज्य संतों का भी इस संवाद के कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। 2012 में सबसे पहला दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कहीं हुआ था तो इसी मथुरा की भूमि कोसी कला में पहला दंगा हुआ था और अंतिम दंगा भी जो हुआ था वह जवाहर बाग की घटना घटित हुई थी जिसमें सत्ता पोषित अपराधियों के द्वारा एक निर्दोष पुलिस अधिकारी समेत कई पुलिस कर्मियों को यहां पर उन्होंने जिस निर्ममता के साथ मारा था, हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। यह भी समाजवादी पार्टी के समय का वह विभत्स कांड था जिसने समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया को कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा था। सज्जनों का संरक्षण होगा लेकिन जो कानून के लिए खतरा बने हुए हैं उन पर हमारी पुलिस भी ऐसे टूटेगी कि उनको भीख मौत की भीख मांगते मांगते गले में तख्ती लटकाना ही पड़ेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का प्रचार